टॉपिक हमारा चल रहा था अपर लिम रीजन का, जिसका पेक्टोरल रीजन में ब्रेस्ट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें नर्व सप्लाई तक पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ना है लिम्फेटिक ड्रेनेज को। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आपसे ये पूछा जाता है। तो इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द सर्जन, बिकॉज जितने भी जो कैंसेरियस सेल्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, वो ज़्यादा फैलता ही इसी लिम्फ नोड्स के ज़रिए है। अभी हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज को दो चीज़ों में देखेंगे। एक हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं और दूसरा हमारे पास लिम्फेटिक्स हैं या लिम्फ वेसल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी लिम्फ नोड्स को। याद रखिएगा दो बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास, एक एक्सिलरी लिम्फ नोड, दूसरा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। इसके अलावा हमारे पास और भी लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड आगे पांच में जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, ये देखिएगा जी, ये हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, फिर ये हमारे पास लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, फिर ये हमारे पास सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, और ये ऊपर एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। और इसी तरह जो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है, ये क्लेविकल है, क्लेविकल से ऊपर करके आ जाएं, ये हमारे पास है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। फिर सिफेलिक नोड है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड है, सब डाया फ्रेगमेटिक लिम्फ नोड है, और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज कहा था, लिम्फेटिक ड्रेनेज को दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक लिम्फ नोड, दूसरा लिम्फेटिक। लिम्फ नोड्स को हमने देख लिया, दोबारा रिवाइज कर लें, एक एक्सिलरी लिम्फ नोड जो आगे जाके पाँच में डिवाइड होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल सेंट्रल और एपिकल, दूसरा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, फिर सुप्रा क्लेविकुलर सिफेलिक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल सब डायाफ्रेगमैटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। अब आगे जाते हैं जी लिम्फ वेसल्स के ऊपर। दो तरह की वेसल्स हैं हमारे पास, याद रखना आप, एक है हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डीप लिम्फेटिक्स। अब ये जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है, ये लिम्फ कहाँ कहाँ पर ड्रेन करते हैं, याद रखिएगा, ये जो ब्रेस्ट की हमारे पास स्किन है, ये उसको लिम्फ ड्रेन करती है एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारे पास निप्पल और ये एरियोला है। तो ये जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है, ये निप्पल और एरियोला को लिम्फ नहीं पहुंचाती, नहीं ड्रेन करती, बाकी ये जो सारा स्किन का रीजन है, इसको ये लिम्फ ड्रेन करती है, ठीक है। लिम्फेटिक्स पास रेडियली टू सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी इंटरनल मेमोरी सब क्लेविकुलर और सिफेलिक, ठीक है। इसके ज़रिए, इन लिम्फ नोड्स के ज़रिए, इन लिम्फेटिक्स के ज़रिए, ये सुपरफिशियल वेसल्स जो है, वो स्किन को लिम्फ ड्रेन करवाती है। दूसरी है जी वेसल हमारे पास डीप लिम्फेटिक्स, याद रखिएगा, इट ड्रेन्स टू द पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, और इस सुपरफिशियल ने निप्पल और एरियोला को छोड़ दिया था, इट ड्रेन्स लिम्फ टू निप्पल एंड एरियोला। अब इस डायग्राम में देखें, ये तो स्किन का रीजन था हमारे, अब ये पैरेन्काइमा है, अंदर लोब्स वाला, जहाँ मिल्क बनता है, पहली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो इसको कौन सी वेसल्स ड्रेन सप्लाई करती है, डीप लिम्फेटिक्स, किस किस को, पैरेन्काइमा को और निप्पल और एरियोला दोनों को, ठीक है। अब देखते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। याद रखिएगा, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, 75%, ठीक है, ऑफ लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट जो है, वो किसके अंदर ड्रेन होता है, एक्सिलरी नोड्स के अंदर हमारे पास ड्रेन होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिलरी नोड का मैंने आपको क्या बताया था, कि हमारे पास आगे जाके पांच
उसकी कैटेगरीज बन जाती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की, कौन कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और एपिकल। तो 75% लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू एक्सिलरी नोड, ठीक है। अगर मैं इसको 100% इसकी रेशियो ले लूँ 75 इधर, तो 20% लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट गोज टू इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी नोड है, इसको कितना जाता है 20% लिम्फ इसको जाता है। बाकी ये जो पांच हैं हमारे पास, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, ठीक है, और ये सेंट्रल, और ये पांच हैं हमारे पास, इसके पास कितना जाता है 75% ऑफ लिम्फ जाता है। पीछे 5% लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट गोज टू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। अब ये तो एंटीरियर साइड है ना, इसकी पोस्टीरियर साइड पे जो इंटर कोस्टल नोड्स है 5% ब्लड, ब्लड में कह रहा हूँ 5% लिम्फ जो है वो उसको ड्रेन होता है। आगे जी, अमंग एक्सिलरी नोड लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली इन एंटीरियर ग्रुप एंड पार्शली इन पोस्टीरियर एंड एपिकल ग्रुप्स। बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास एक्सिलरी नोड है, ठीक है, और ये बाकी कुछ एंटीरियर हैं, और वही जो मैंने आपको बताया था कि वो जो पोस्टीरियर वाले हैं, और कुछ इसके एपिकल ग्रुप्स है जो सुप्रा क्लेविकुलर के साथ है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इस लिम्फ ड्रेनेज का पाथवे देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो लिम्फ है फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये पास होता है सेंट्रल और लैटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। ये ब्रेस्ट है जी, ठीक है, इससे लिम्फ नोड गया किसके पास गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर के पास, ठीक हो गया। अब इस एंटीरियर और पोस्टीरियर से सेंट्रल एंड लैटरल ग्रुप पे जाएगा, ठीक है। अब ये एंटीरियर से इधर सेंट्रल पे आया और इस पोस्टीरियर से इधर लैटरल पे आया। अब यहाँ से आगे ये एपिकल वाले रीजन में मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से सेंट्रल और लैटरल से ये एपिकल ग्रुप के पास जाएगा। अब एपिकल ग्रुप किधर है, ये ऊपर है ये, ठीक है। अब एपिकल के पास आएगा, अब यहाँ से ये ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर पे, फाइनली टू सुप्रा क्लेविकुलर नोड पे ये लिम्फ हमारे पास चला जाएगा, फिर यहाँ से ये बाकी जगह पर पास होगा, ठीक है। ये तो हमने पाथवे देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, इंटरनल मेमोरी जो नोड्स है वो ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम इनर एंड आउटर हाफ ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा, अब इस वाले लिम्फ नोड को लिम्फ कहाँ से ड्रेन होगा, ठीक है, ये ब्रेस्ट है हमारे पास, ये जो इनर एंड आउटर हाफ ऑफ ब्रेस्ट है, ये वाला रीजन और ये जो आउटर हाफ है, यहाँ से ड्रेन इस इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड को ड्रेन होगा। तो यही हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला टॉपिक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। लिम्फ ड्रेनेज आपने देख लेना है, लिम्फ नोड्स को देख लेना है कौन कौन सी नोड्स हैं, फिर लिम्फेटिक्स को देख लेना है, लिम्फ वेसल्स को देख लेना है, और बाकी ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आपने याद कर लेना है, तो आपका ये वाला टॉपिक निकल जाना है। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसकी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को देखते हैं।